लीजिए ना केक काट। शाबाश बिचाली। तुमसे कितनी बार कहा मुझे नहीं पसंद ये सब, इस तरह डराने की जरूरत क्या थी? नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं चाहिए मुझे ये सब। घर का माहौल देखा, क्या इतना कुछ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, तुम सोच भी कैसे सकती हो ये सब करने का? मुझे नहीं मानना अपना बर्थडे, नहीं मानना अपना बर्थडे। शौर्य बेटा इतना इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है तो एक सरप्राइज देना चाहते थे बस, एक छोटा सा घर में सेलिब्रेशन हो जाए, दैट्स व्हाट वी वांटेड। इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक लेकर आई थी वो। तो क्या हुआ बड़े पापा? सबसे बड़ी बात जिस माहौल में जा दिया के साथ इतना बुरा हुआ, मुझे नहीं सेलिब्रेट कर रहे, नहीं चाहिए मुझे कुछ। अच्छा ठीक है, माना कि तुम स्ट्रेस्ड हो, लेकिन इतना बिगड़ने की जरूरत नहीं है बेटा। मामा बिगड़ू कैसे? नहीं वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के दिमाग खराब हो गया मेरा, कुछ नहीं कर रहे वो लोग, ऐसे में खुश रहने की सोच भी नहीं सकता। I don't want all this, yeah. Okay. शौर्य प्लीज काम डाउन, आज बर्थडे है तुम्हारा, देखो उसे कितनी मेहनत करके उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। थोड़ा तो एंजॉय कर ही सकते हैं, चल केक काटते हैं। सॉरी छोटे, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल, आई एम रियली सॉरी। ईशानी, ईशानी आई एम सॉरी यार। ईशानी बेटा कम हियर बेटा, थैंक यू। नहीं इस साल कोई प्लान्स नहीं, थैंक यू। ये छोटी गुस्सा अब तक? नहीं मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? अरे इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी मिस ईशानी सिन्हा के आगे, और तुझे फर्क भी नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता? भाई आज आपका बर्थडे है, प्लीज मुझसे मत उलझो। कल की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अच्छा सॉरी सॉरी रियली सॉरी, कल गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैं बहुत ज्यादा बोल गई, आई डिडंट मीन इट, सॉरी। It's okay. पक्का? सर सर और तो कुछ नहीं ला सके आपके लिए, सो आई गॉट यू थिंग्स, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, तुमने विश कर दिया, ये दे दिया, इतना काफी। शी वाज फीलिंग बैड कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई, तो हमने दिया से कहा कि फ्लास से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली मां। वैसे शौर्य हमारे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? मौसम भी अच्छा है तो क्यों ना हम सब लोग शिरडी चले, दिया को भी अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया माँ, इस वक्त ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, आप लोग रेडी हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सॉरी
ईशानी छोटी तू चल रही है, बड़ी माँ आप चलेंगी? कहाँ? शिरडी। नहीं नहीं तुम लोग जाओ। ओके तू बैठी क्या है, जा रेडी हो, अपने फ्रेंड्स को भी बुला ले। नहीं भैया वो एक्चुअली आपको तो पता है ना मैं पूजा पूजा में बिलीव नहीं करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं, मैं वहाँ पे जाके वैसे भी बोर हो जाऊंगी, आप जाइए। अरे मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे बोर नहीं होने दूँ। नहीं नहीं आप जाइए ना, आपका बर्थडे है, आप अपने हिसाब से जैसा आपने प्लान किया वैसे ही सेलिब्रेट कीजिए। तूने कुछ और प्लान तो नहीं किया ना? मैं जाऊं? चल भाई। बर्थडे सेलिब्रेट करने शिरडी जा रहे हैं। तो शौर्य तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं चाह रहा था ना? अरे हाँ वो दिया ने उसे 2-4 फूल दे दिए ना, तो शायद दिया की खुशी के लिए उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए शिरडी का प्लान बना लिया। तुमने भी तो इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था शौर्य के लिए, केक लाई अपने भाई के लिए। तुम चाहे जितना शौर्य भाई करते रहे, तुम्हारा ये जो शौर्य भाई है उसे तुम्हारे इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं। सही कह रही हैं आप बड़ी माँ, शौर्य भैया बहुत बदल गए हैं। माँ 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 मेरा रुमाल कहाँ रखा है यार, ये कहाँ रख देती है माँ भी। माँ ये ले तेरा रुमाल, मैं अपने हाथ से इस्त्री करके लाई है। थैंक्स। सुनो दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया बेबी, ऑफ कोर्स शाम को मिल रहे नाम। ऑलराइट बाय, लव यू बेबी बाय। ओ किसका फोन था, किससे बात कर रहा था तू? तुझे क्या, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तेरी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड्स हैं बहुत सारी हैं। हे भगवान गर्लफ्रेंड थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? बेहया बेशरम बदतमीज, रुक जा अभी मौसी को बताती हूँ। मौसी मौसी क्या हुआ, इधर आओ, चल बता क्या, पूछो पूछो बताओ। ये तू थोड़ी पागल है क्या? अब इसमें कौन सी बड़ी बातें, बता दूंगा। हाँ तो बता ना। अच्छा क्या फाइटिंग बाइटिंग कर रहे हो तुम दोनों, बताओ क्या हुआ? इसकी गर्लफ्रेंड है, है तो पता है हमको इसकी गर्लफ्रेंड है। मौसी कैसी माँ हो आप, इतना स्मार्ट लड़का है हमारा, गर्लफ्रेंड तो होगी कि नहीं? बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है इसकी, पता है हमको। मौसी एक लड़का और एक लड़की तभी दोस्त नहीं होते। अरे यार ये फिल्म, अरे माँ ये पागल कर दी, आप चलो यहाँ से, अरे इसको छोड़ो। चलो मुझे तो ना गॉड यार नानी मेरे लैपटॉप का चार्जर कहाँ रह गया, इस घर में कभी कुछ नहीं मिलता। Thank you.
चीजों पर गुस्सा निकालना बंद कर दो ईशानी। अक्सर सारे भाई ऐसे ही करते अपनी बहनों के साथ जब उनकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाती है। बड़ी माँ, शौर्य भाई की कोई दिया गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड से कम ट्रीट नहीं किया जा रहा है उसे, देख लो। गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये हाल है, जब गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। ट्रेलर तुम देख चुकी हो, फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? आंखें खोलो अपनी। वो लड़की ले गई तुम्हारे भाई को तुमसे दूर, और काहे का भाई, काहे का भाई? वो तुम्हारा अपना खून आखिर अपना होता है। वो तुम्हारा खून नहीं है, सम्राट सिंह राठौर का बेटा है। सांप का बेटा सपोला होता है, खरगोश नहीं बन जाएगा। संभालो अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो तुम्हें ही डस ले। और कितना बेवकूफ बनाओगे तुम अपने आप को इन लोगों के हाथों। नहीं प्यार करते हैं ये लोग तुमसे, बंद करो शौर्य भाई शौर्य भाई शौर्य भाई करना। न शौर्य तुमसे प्यार करता है, न उर्मी तुमसे प्यार करती है, नाटक करते हैं वो तुम्हारे साथ। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। दामिनी, दामिनी, क्या घटियापन है दामिनी? शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी नीच हरकत करते हुए? It's disgusting. ईशानी की माँ को उससे छीनकर, उसके खिलाफ जहर उगलकर भी चैन नहीं मिला तुम्हें, जब उसे उसके भाई से भी दूर करने पर उतराई हो तो? ना मुझे शर्म आती है और ना मुझे चैन मिला। मैं इस भाई बहन के रिश्ते को तोड़ कर रहूंगी। और आप क्यों ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं? आपने ही तो मुझे मजबूर किया ऐसे करने पर। मैंने मजबूर किया तुम्हें? वो कैसे? आप अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने शौर्य के नाम करना चाहते हैं। God. अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। चंद प्रॉपर्टीज के लिए तुम भाई बहन के पाक रिश्ते में जहर घोल दोगी? हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी ईशानी का हक है, किसी और का नहीं। और आपको याद होगा, आपने मुझे ये कहा था कि ईशानी की जान है शौर्य। जब शौर्य ईशानी के दिल से ही उतर जाएगा तो ये जान वान बसने का नाटक भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, फैसला आपके हाथ में। अगर आप शौर्य के नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों के रिश्ते की कीमत चुकानी, रिश्ते की कीमत। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप अपनी प्रॉपर्टी अगर शौर्य के नाम नहीं करते, तो मैं इन दोनों के रिश्ते को बख्श दूंगी। सोच समझ कर फैसला लेना। हेलो शौर्य, दिया कहाँ पे? वो मेरा फोन क्यों उठा रही है? और वैसे तुम लोग हो कहाँ पे? तू कहाँ है? तू क्यों नहीं फोन उठा रहा? मैं एक ऑडिशन के लिए गया हुआ। एक काम कर, दो तीन और दे दे, यहाँ तो तेरी पिक्चर बनेगी नहीं। और कितना सेल्फिश है यार, कभी कभी फोन उठा लेना चाहिए, अपना ही फायदा हो सकता। मान लो मीडिया दिया का फॉलो कर रही होती तो? शौर्य, ये मेरा दिमाग खराब करने वाली बातें मत करो तुम। मैंने दिया को कॉल बैक किया था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं मेरा। वैसे है कहां पे वो? दिया मंदिर में दर्शन कर रही है। मंदिर कौन से? शिरडी। शिरडी? तुम लोग शिरडी कब चले गए? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शिरडी जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलता ना। देख, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं खोला, ठीक है? और यही बताने के लिए दिया ने फोन किया था। अरे तो तुम एक फोन कर सकते थे मुझे, तुम मुझे मैसेज छोड़ सकते थे कि हम लोग जा रहे हैं। तू कहीं का गवर्नर है क्या? ये मेरा बॉस है जो तुझे बताए बगैर मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगा। तू है कौन? मेरा हक बनता है दिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पूछने का हक बनता है मेरा, समझे? तो हक तो तेरा रद्दी भर का नहीं, तुझे झेल रहे हैं वही बड़ी बात। और क्या जानना चाहता था? यही कि दिया को मीडिया फॉलो कर रही है या नहीं, तेरा कवरेज हो रहा है या नहीं। सॉरी,
ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। फोन रख, पका मत। सॉरी मैं फोन काट। क्या हुआ ईशानी, तू परेशान लग रही है? नहीं तो, मैं परेशान ऐसे थोड़ी है। चल ना चिप्स खा। वैसे तो बहुत लकी है कि तेरे घर का माहौल अच्छा रहता है, मेरे यहाँ तो हमेशा खिटपिट लगी रहती है। क्यों? मत पूछ ईशानी, जब से भाई की शादी हुई है भाई को ना मैं दिखाई देती हूँ ना मम्मी पापा, बस अपने बीवी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अक्सर सारे भाई ऐसे ही करते हैं अपनी बहनों के साथ जब उनकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाती है। वैसे ईशानी तेरे भैया तो बहुत अच्छे हैं ना, नसीब वाली है तू, तुझ पे जान छिड़कते हैं ना, राइट? हाँ। यू नो व्हाट, मेरे भैया भी शादी के पहले बहुत अच्छे थे, ये सारे चेंजेस ना शादी के बाद आए हैं। आई रियली होप कि तेरे साथ ऐसा ना हो। बिल आना। आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहा, बाबा के दर्शन एकदम आराम से हो गए। इस साल का बर्थडे डिफरेंट था माँ, वहां जाके अलग ही फीलिंग आती है, नहीं? क्या सोच रही हो दिया? सुनो, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करना। दिया, हमने अब बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और साईं बाबा में बड़ी शक्ति होती है, तुम देखना बेटा, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हें अपनी लड़ाई में जीत जरूर हासिल होगी। माँ एक काम कीजिए, आप लोग गाड़ी की तरफ चलिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। आओ बेटा। दिया बैठना, हम बस आ रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। वो चेक लेकिन अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? आप बैंक में फोन कीजिए और पता कीजिए ना। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। यार एक बात है, आज का मौसम मन बहुत बेईमान कर रहा है। भैया दो बनारसी पान लगा दो, चूना कम कत्था ज्यादा। मेरा भी एक पान बोल दे। एक पान और लगा दे। कितने दिन हो गए हैं इस तन मन की प्यास बुझाए। बेटा सब्र हो, अगर बंदे में तो मैं ना फंसेगी फंदे में। आशिक मुंह बोले तेरी जुल्फों से खेलेंगे, अंग अंग का नाप झोंक मिनटों में ले लेंगे। भाई जो आखिरी वाली थी ना, नशा अभी तक उतरा नहीं है। सही कह रहा है यार, मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी। क्या माल थी यार वो। पान लगा क्या? क्या भैया,